गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आइए क्लास स्टार्ट हो गई भाई यूट्यूब पर थोड़ा डिले दिखता है क्यू की क्लास कल चलेगी कल चलेगी आपकी क्यू क्लास ठीक है कल पेपर देकर जब आएंगे तो क्यू चलेगा डी चलेगा हम्म बार बार एक ही चीज़ जो है मत लिखिए नहीं तो ब्लैक भी हो जाएंगे अपने आप वो बार बार रिपीटेड अगर आप लिखते हैं तो ब्लैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं चलिए तो यहाँ पर प्लम्बिंग सर्विसेज हम लोग देखेंगे प्लम्बिंग सर्विसेज अगर आपको पढ़ना है ना तो आप पुरानी वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं पुरानी जब इस पर अपलोड है और ज़्यादातर कोशिश ये करिए ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप लोग बुक खरीद लीजिए बुक तो आप क्या खरीदने जाएंगे छोड़िए अप्लीकेशन पर हमारे जो है ना ये पी अपलोड है इसका वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़िए ठीक है तो सबसे पहले सभी लोग पी खोल लीजिए या फिर जो पी दिया हूँ उसको ओपन कर लीजिए उसमें क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कौन कौन से आपको पढ़ने हैं ठीक है क्वेश्चन हम पढ़ा बता रहे हैं आपको कौन कौन से पढ़ने हैं उसी क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए टिक मार कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री ऐसे करके लिखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं आपको देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इन है सबसे पहले आप क्वेश्चन ही बताएंगे हम ठीक है इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ठीक है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेन क्वेश्चन कौन से हैं देखिए नोट लगाइए सभी लोग तुरंत सभी लोग पीडीएफ लिए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं सबसे पहले क्योंकि हम सारे थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे टाइम इतना नहीं है ठीक है और प्लम्बिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इतना इजी सब्जेक्ट है ना ये कि आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हो पिछली बार मैंने पढ़ाया भी है ज्वाइंट वगैरह दुनिया भर एक हर एक चीज पढ़ाए हैं ठीक है देखिए चैप्टर नंबर एक में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं चैप्टर नंबर एक ये पीडीएफ जो है ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है अप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में वहां पर से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से ये पी डी है वो डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक इस है इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर वन टू बताएंगे आप कॉपी में भी लिख लीजिए लाइन से एक कॉपी अपनी रखिए वहां पर चैप्टर नंबर फर्स्ट डालिए और क्वेश्चन नंबर जो जो बताएंगे वो क्वेश्चन नंबर वन टू ऐसे लिखते चले जाइए बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें वो क्वेश्चंस नोट करके या फिर वही वही क्वेश्चन तैयार करिएगा जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक नलकार को अपना कार्य शुरू करते समय अपने औजारों के प्रति क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए लिखिए तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से आएगा दूसरा है निम्न नलकारी औजारों को कार्य स्पष्ट करिए जैसे पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर इसका क्या काम है स्क्रू ड्राइवर से हम लोग क्या करते हैं प्लायर यानी प्लास या सरिता सरोता बोलते ही सरिता नहीं होगा ये गलत है प्लायर या फिर सरोता बोलते हैं इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे जिसको प्लास आप बोलते हैं रिंच डब्ल्यू आर आई एन सी एच होता है रिंच इसको हम लोग बोलते हैं रिंच कहाँ पर यूज करेंगे बिट ब्रेस सोल्डरिंग आयरन कहाँ पर यूज करेंगे ठीक है उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन लिख लिए तो उसके बाद आज ये पहले अभी बीस मिनट आपको ये सारा लिखना है ठीक है चौथा क्वेश्चन लिखिए छेनी छीजल और हेक्सा औजारों का के कार्य में अंतर बताना है कि छेनी हम लोग कहाँ यूज करते हैं हेक्सा कहाँ पर यूज करते हैं ठीक उसके बाद ये जीआई पाइप वाला रहने दीजिए ये वाला क्वेश्चन नोट करिए निम्न उपकरणों में मशीन पर संक्षिप्त प्रकाश डाले बेंच वाइस क्या होता है ड्रिलिंग मशीन क्या होता है इसके बारे में बताना है उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पर चैन पाइप वगैरह रहने दीजिएगा ठीक है ये वाला देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक हथौड़े का माप साइज किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है इसको जरा सा एक बार देख लीजिएगा ठीक है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका पाइप पर चूड़िया काटना ये सब रहने दीजिए ये रहने दीजिए इतने क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से तैयार करने क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए चलिए नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट चलते हैं एक मिनट चैप्टर नंबर वन हो गया इतना ठीक है आइए नेक्स्ट पर चलते हैं आपका ये छठवा आपका छठवा ये? ये नहीं होगा चैप्टर नंबर टू हाँ चैप्टर नंबर टू ओपन करिए सभी लोग इसको जो जो मैं नंबर बता रहा हूं ना उसको कॉपी में आप ऐसे लिख लीजिए नंबर वन थ्री ऐसे करके बाद में जब पीडीएफ ओपन करिएगा ना ये फ्री स्टडी मटेरियल में है तो वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वही वही तैयार करना है ठीक चलिए क्योंकि ये टाइम नहीं था हमारे पास इतना मुस्ट बनाना था कि मैं लिख के नहीं दे पाया आपको तो ये था हमने कहा दे दो उसी में बता देंगे तो चैप्टर नंबर टू में देखिए कौन से क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पर देखिए यहां पर चैप्टर नंबर टू में सबसे पहले आपको यहाँ पर पाइप के बारे में जानना है ठीक है जैसे ये पहला क्वेश्चन जो है इसको मत करिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुरक्षित विधि ये सब नहीं बताना है ठीक है दूसरा वाला भी यहाँ पर नहीं बताना है ठीक है जो जो मैं कह रहा हूँ उसको मत पढ़िएगा या फिर अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ना तो पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन जल ले जाने वाले चार पाइप मटेरियल के आधार पर इसके नाम बताना है तो जो पाइप ले जाते हैं पाइप टाइप ऑफ पाइप आप पढ़े होंगे जीआई पाइप प्लास्टिक पाइप पीवीसी पाइप एच पाइप, पी पाइप कास्ट आयरन पाइप प्लम्बिंग ये सब जितने हैं ये सब पाइप के बारे में बताना है ठीक है और इसके नाम देना उनको आपस आप में तुलना करना है यानी उनको स्पष्ट करना है ठीक दूसरा वाला आपको नहीं बताना है उसके बाद यहाँ पर सॉरी चौथा वाला नहीं बताना है तीसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा उसके बाद पचवा तैयार करिएगा पचमे वाले में ह्यूम स्टील पाइप और जस्तीकृत यानी जीआई पाइप सीसा लेड पाइप सीवीपी सी सीपीवीसी पाइप यानी क्वेश्चन नंबर तीन चाहे तैयार करिए चाहे क्वेश्चन नंबर पांच तैयार करिए बात वही है क्योंकि यहां पर भी करा चार पाइपों को बताइए ये भी चार पाइप यहां पर भी है इसी तरह से किन्हीं चार या पांच पाइप को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर छठवा देखिएगा छठवा देखिएगा घरेलू नरकाली में कौन कौन से पाइप साम्यता प्रयोग किया जाता है कारण लिखे तो पाइप कौन कौन से हम लोग उपयोग करें वो लिख देना नाम और क्या कारण है कि हम यही पाइप यूज करते हैं ठीक है उसके बाद फिर यहां पर आपका उसके बाद फिर आप ज्वाइंट पे आइएगा ठीक है यहां पर देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा स्पेशली एस पाइप आजकल नया चला है ट्रेंड में तो एस डी प्रॉपर्टी उसकी देख लीजिएगा ये सब ठीक है अब यहां पर जरा एक क्वेश्चन तैयार करिएगा कि पाइप कार में जोड़ क्यों दिए जाते हैं किन्हीं दो पाइप जोड़ों के नाम लिखकर उनकी जोड़न विधि लिखिए तो क्वेश्चन नंबर आठ क्वेश्चन नंबर टेन फटाफट टीक मार करिए फटाफट टीक मार करिए ठीक है हाँ सारे नोट्स ये सब फ्री है एप्लीकेशन में यार फ्री स्टडी मटेरियल का नाम बोल रहा हूं बार बार इसका मतलब पैसा थोड़ी ना लग रहा है चलिए अब आगे यहां पर देखिए टेन हो गया आपका इलेवन पे आ जाइए इलेवन ना करिएगा फ्लेंज ज्वाइंट तो सभी लोग जानते हैं फ्लेंज लगाकर बना देंगे वो ज्यादातर पूछेगा कि कॉलर ज्वाइंट और फ्लेंज ज्वाइंट में अंतर स्पष्ट करें वो किसी के साथ अंतर जरूर ज्वाइंट में पूछेगा ठीक है क्योंकि जानता है आप क्या करे हो ये पढ़े हो तो जितने ज्वाइंट हैं आप मैं पढ़ाया था याद करो फिफ्थ सेमेस्टर में वेस्ट वाटर ड्राइंग में पढ़ाया था ना ड्राइंग में वो सॉरी वेस्ट वाटर में पढ़ाया था तो वही सब ज्वाइंट है कोई दूसरा नहीं है ज्यादातर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है ठीक है वेस्ट वाटर वाला क्लियर अब यहां पर ये हो गया आपका उसके बाद फिर आपका नेटवर्क आप पाइप वगैरह नहीं पढ़ना है ठीक इतने यहां पर पढ़ने हैं यानी कि आपको ज्वाइंट पढ़ना है और टाइप ऑफ पाइप पढ़ना है क्लियर चैप्टर टू दैप्टर टू चैप्टर थ्री में क्या पढ़ना है चैप्टर में क्या पढ़ना है? पढ़ना ध्यान से देख लीजिए आप ही को है है अब क्योंकि ये ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, हम पढ़ाने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर इतना इजी सब्जेक्ट है कुछ कहने के नहीं चलिए चैप्टर नंबर तीन में क्या पढ़ना है आपको नोट करिए चैप्टर नंबर तीन वाटर सप्लाई सिस्टम सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ वाटर पढ़ना है ये पेयजल में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए यह नहीं पढ़ना है ठीक है जो जो बता रहा हूं उसको छोड़िए जो पढ़ना है बस उतना ध्यान दीजिए ठीक है ये सब छोड़िए आप ठीक ये सब छोड़िए हां यह दे रहा देखिए क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतही जल और भू जल के दो दो स्रोतों के नाम ने उनके जल का विश्लेषण करें यानी आपको सतही जल और भूमि जल के दो दो स्रोत बताने हैं यानी सोर्स ऑफ वाटर ये भी मैं पढ़ाया हूं याद करिए जब मैं पढ़ा रहा था वेस्ट वाटर तो पहले चैप्टर में यह पढ़ाया था कि सतही जल स्रोत और भूमि जल स्रोत क्या होता है ठीक है उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है ठीक है यानी कि यानी कि यहां पर जो है ये सब नहीं पढ़ना है अब यहां पर आ जाइए यहां पर आइए एक एक यहां पर यह भी कर लीजिएगा क्वेश्चन ये वाला पेयजल के भंडारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है ठीक है के भंडारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या स्थिति के आधार पर जल भंडारण टैंकों के नाम देना है तो नाम वगैरह कौन कौन से टैंक यूज करते देख लीजिएगा ठीक है एक नगर जल कल एवं भंडारण टैंक संस्थान लगभग एक ही भूमितल पर स्थित है नगर में पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था किस प्रकार की जाए अपने विचार संक्षेप में लिखिए तो यहां पर टू वे सिस्टम वन वे सिस्टम इस तरह से बता दीजिएगा ठीक है ये करके तो ये जो है इसको भी कर लीजिएगा ये पंपन क्यों करना पड़ता है यह सब लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए अब आपको जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन जरूर करिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन यानी कि एयर रिलीफ वाल, वाल ये भी हम वेस्ट वाटर में पढ़ाए हैं ठीक है इसको भी स्लूस वाल क्या होता है स्लूस वाल को हम लोग गेट वाल भी कहते हैं याद आया कुछ ठीक है एयर रिलीफ वाल क्या होता है स्कावर वाल क्या होता है जो सिल्ट वगैरह आ जाता है उसको निकालने के लिए ठीक है और इसमें से जो है तेरह नंबर हो गया तेरह नंबर के बाद फटाफट टिक मार करते रहिए यहां पर ना एक टॉपिक नहीं है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मैं खुद अपने से ऐड कर रहा हूं फायर हाइड्रेंट फायर हाइड्रेंट तैयार करिएगा फायर हाइड्रेंट जरूर पूछेगा वो आप देख लीजिएगा फायर हाइड्रेंट जरूर तैयार करिएगा वाटर हैमर ये सब छोड़ दीजिए ठीक है ये सब छोड़ दीजिए क्लियर उसके बाद फिर जो है लेइंग ऑफ पाइप जल पाइप बिछाने की क्रिया समझाइए पाइप जल कर... जल पाइप बिछाने की क्रिया समझाइए और क्वेश्चन नंबर सोलह हो गया क्वेश्चन नंबर सोलह के बाद क्वेश्चन नंबर अठारह क्वेश्चन नंबर सोलह के बाद क्वेश्चन नंबर अठारह जल पाइप बिछाने की क्रिया संक्षेप समझाइए वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता तथा तो उपयोगों को संक्षेप में वर्णन करिए तो ये क्वेश्चन सोलह सोलह नंबर अठारह नंबर इसको तैयार करना है चैप्टर नंबर आपका जो है तीन यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर नंबर फोर में आइए देखते हैं कौन कौन से पढ़ने हैं नोट कर रहे हैं नहीं आप लोग ठीक है आरएमबी का मोस्ट की क्लास कब होगी सोते रहते हो क्या भाई सो रहे हो क्या आरएमबी की क्लास खत्म हो गई पता है कि नहीं कुछ आपको वहां पे मोस्ट भी बता दिए हैं पीडीएफ भी दे दिए हैं और कह रहे हो एग्जाम खत्म हो जाएगा तब बताएंगे क्या सोते रहते हो आओगे अभी उठ के उसके बाद बोलोगे कि हाँ क्या चल रहा है सर नहीं बताएंगे क्या ठीक है आरम देखो ये नवनी शुक्ला ये सब जितने हैं ना सो रहे हैं एकदम भरपूर नींद ले रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का मिल चुका है सबको और अभी पढ़ाया भी हूं तीन घंटे उसके बाद पूछ रहा है कि सर मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत बढ़िया तरक्की करोगे घबराओ मत कल चलिए अब आगे यहां पर देखिए नेक्स्ट यहां पर ये आपका खत्म हुआ ठीक है अब चैप्टर नंबर जो है हमारा कौन सा शुरू होगा तीन हो गया ना चौथा चैप्टर चौथे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए प्लम्बिंग सर्विसेज में चौथे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ठीक है फटाफट नोट करते रहिए ठीक है अजय जो भी है अमन ये सब सीवर वाला नहीं पढ़िए बच्चे सीवर वाला मत पढ़िए सीवर नहीं आएगा ठीक है सीवर वाला मत पढ़िए चलिए अब यहां पर जरा देखिए वो सब आप लोग ना खुद पढ़े हैं ठीक है जितना हम यहां पर बता रहे हैं ये सब वेस्ट वाटर में सब पढ़ाया हूं एक बार अगर आप इसको देखते हैं नोट्स नोट्स ये नूर्स भी अपलोड है है एप्लीकेशन पर वाला ठीक चलिए और वो शार्ट फार्म में ही लोट है अब यहां पर जरा देखिए ये भी नहीं करना है पहला क्वेश्चन मत करिएगा डोमेस्टिक ड्रेनेज में जरा देखिए चैप्टर नंबर जो है हमारा चौथा चैप्टर नंबर चौथा में आइए कौन कौन सा देखते हैं इसमें ठीक है चैप्टर चैप्टर नंबर हमारा ये देखिए देखिए यहां पर लिखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह दिख रहा है ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिएगा सभी लोग सीवर कार के निम्न परीक्षणों पर संक्षिप्त और प्रकाश डालें सीवर का जलसा परीक्षण सीवर का सीधाई का परीक्षण तो ये वाला आपको ग्यारह नंबर क्या करना है तैयार करना है और क्या तैयार करना है आपका ठीक है यहां पर जो है यहां पर प्रवेश छिद्र मैनहोल पर धातु का मजबूत भारी ढक्कन अब क्यों नहीं दिया जाता इसके स्थान पर अब किस मटेरियल का ढक्कन दिया जाता है और क्यों उत्तर दे यानी मैनहोल वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करिएगा मैनहोल वाला जो टॉपिक है उसको पढ़िएगा जरूर मैनहोल पढ़ना है आपको ठीक है मैनहोल पढ़ना है उसके बाद यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं जो जो उसी को पढ़िएगा ज्यादा वह समझ जाइए क्योंकि हमें पता है, कुछ चीजें आप लोग लिख लेंगे ठीक है और कुछ चीजें आप लोग लिख लेंगे देखिएगा निम्न नलकारी प्रणाली को स्पष्ट करें यानी सिंगल पाइप सिस्टम टू वे पाइप सिस्टम ये आपको लिखना है सिंगल पाइप सिस्टम टू वे पाइप सिस्टम इसको लिखना है ठीक है देखिए ये मैं सी सब पढ़ाया हूं भाई सिंगल पाइप सिस्टम टू वे पाइप सिस्टम जानते हैं ना इसमें एक ही पाइप में क्या करते हैं हम लोग सीवर को क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं इसमें दो पाइप मिल जाएगा ठीक है वही सब तो पढ़ाया हूं और क्या टॉपिक ये क्वेश्चन नंबर उन्नीस लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस लिख लिया अभी लिखवा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर नोट करिए हो गया चलिए और ये हो गया आपका सल... ट्रैप मत पढ़िएगा ट्रैप आपके सिलेबस में नहीं है जो जो है मैं बता रहा हूं ठीक है कि ट्रैप देख ट्रैप तो ऐसे पढ़ाया हूं चाहे तो कर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं भी कर लीजिए चलिए करिए इक्कीसवी सैनिट्री ट्रैप का कार्य स्पष्ट करें बॉटल ट्रैप कहां लगाया जाता है या फिर एस ट्रैप पी ट्रैप ये सब देख लीजिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर उन्नीस क्वेश्चन नंबर इक्कीस लिख लीजिए जब पीडीएफ ओपन करिएगा ना तो उसमें ये सब लिखेंगे आपको इसलिए क्वेश्चन नंबर बस डालिए हर एक चैप्टर में क्वेश्चन नंबर डालिए बस चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए तो पहले आ गया सेप्टिक टैंक का कार्य क्या करता है आ, क्या कार्य है करता है इसका निर्माण कहां और क्यों किया जाता है ठीक है तो सेप्टिक टैंक तैयार करिएगा सॉकपिट नहीं तैयार करना है भैया सेसपुल तैयार कर लीजिए सपुल चौबच्चा चौबच्चा क्या है सेसपुल तैयार करिए नहीं तैयार करना ठीक है और क्या आपको तैयार करना है ठीक चलिए ये जल टोटी ओटी रहने दीजिए छोड़ दीजिए टोटी चोर को नहीं देखना इंस्पेक्शन चैम्बर में ही देखना है वेंट पाइप वगैरह नहीं देखना ठीक है वेंट पाइप वगैरह नहीं देखना है लीकेज वाला तो मैं पहले ही बता दिया ठीक उसको लीकेज को देख लीजिएगा ठीक और क्या देखना है आपका ये सब रहने दीजिए ये सब नहीं देखना है और यहाँ पर हाँ डब्ल्यू सी सीट वगैरह देखना है क्या ओ, चैप्टर नंबर पांच आगे क्या हम चैप्टर नंबर चार ही चल रहा है ना आपका अभी हाँ चैप्टर नंबर चार तीस क्वेश्चन ही खत्म इसका मतलब आपका जो है यहाँ पे आ गया चैप्टर नंबर हाँ ये आइए चैप्टर नंबर पांच में चैप्टर नंबर पांच में आइए सैनिटरी अप्लायसेस में फटाक से खोलिए अप्लायसेस में सेसपुल देखना है सेसपुल किताब से सब नोट्स से पढ़िए यार नोट्स में जो है ना आपके सब अवेलेबल नोट्स से क्यों नहीं देखते अभी पढ़ाएंगे हमड़ा क्या रहे कुछ पढ़ाएंगे यहाँ पर जो जरूरत है ज्यादा ठीक है नहीं ट्रैप पढ़ना है ट्रैप कर लीजिए ट्रैप है सिलेबस में मैं देखा अभी ठीक है ट्रैप सिलेबस में पढ़िए ट्रैप चलिए ये टोटी ओटी रहने दीजिएगा टोटी ओटी मत पढ़िएगा ठीक है ये सब टोटी ओटी मत पढ़िएगा चलिए आइए क्या पढ़ना है उसको बताते हैं हाँ यहां से आपको सिंक पढ़ना है ठीक है ये सिंक कवर करिएगा सिंक ठीक है सिंक ठीक है इसके क्या कार्य है इसको बताना है ठीक उसके बाद फिर आपका तैयार करिएगा क्वेश्चन नंबर तीन तैयार करिएगा और ये उकड़ू बैट सौ पात्र डब्लू सी पैन ये कितने प्रकार के होते हैं इसको तैयार करिएगा नाम दे इसको भटीक भारतीय इसको तैयार करिएगा क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर तीन चार पांच इसको तैयार करना है फटाफट टिक मार कर लीजिए फिर रात भर पढ़िएगा सुबह भी ठीक है टिक मार कर लीजिए चलिए हो गया तीन चार पांच आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतवां लिखी देखिए सतवा भी कर लीजिए हाँ सतवा भी कर लीजिएगा फ्लसिंग टंक की संचालन हाँ ये इसको कर लीजिएगा और उसके बाद उसके बाद फिर आप लोग ट्रैप तो हो गया ना नहीं वो वहां पर ट्रैप उसमें पढ़ना था यहां पर नहीं पढ़िएगा ठीक है और एक बाथटब नहीं है क्या बाथटब नहीं है क्या क्वेश्चन में बाथटब भी देखना है इसमें नहीं है बात टब लिख कर लीजिए नहाने वाला जो बात टब होता है उसको लिख लिख कर लीजिएगा क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं उसको कर लीजिए ठीक है तो यहां पर इतनी चीजें देख लीजिएगा ठीक चलिए नंबर नंबर देखिए चैप्टर में चैप्टर नंबर छ में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूं देखिए इसमें जो है आपका हीट ट्रांसफर पढ़ना है ठीक है और ज्यादातर सोलर और गीजर तो यहां पर देखिए ये आपका ये यहीं से दो तीन क्वेश्चन बस बनेगा ज्यादा नहीं और ज्यादातर हमको लगता है चैप्टर नंबर पिछसे टिप्पणी बनेगा ठीक है इससे टिप्पणी बनेगा आपका देखिए यहां पर गीजर करिएगा गीजर क्या होता है इसका कार्य तथा भवन में कहा पर स्थापन होता है इसको बताना है सोलर वाटर हीटर क्या होता है इसको बताना है ठीक है सोलर वाटर हीटर और गीजर ठीक यही बताना है आपको क्लियर वेंटिलेशन वगैरह नहीं पढ़ना है इसमें से कुछ केवल दो ही तीन चीजें पढ़नी है ठीक है दो ही चीजें पढ़नी है बस इसमें चैप्टर नंबर सिक्स में हीट ट्रांसफर सोलर वाटर हीटर सोलर वाटर हीटर और उसके बाद जो है हमारा गीजर यही पढ़िएगा ठीक है या केंद्रीय तापन यानी सेंट्रल हीटिंग प्रणाली कब कहां बनाई जाती है इसको कर लीजिए बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर सिक्स में नोट कर लीजिए सोलर वाटर हीटर और उसके बाद हमारा जो है गीजर हुआ और उसके बाद फिर हमारा सेंट्रल हीटिंग हीट ट्रांसफर चार टॉपिक है बस मेन चार टॉपिक कवर करिए इतने जो है आपको पढ़ने हैं यही आपके मोस्ट हैं क्लियर यही आपके मोस्ट हैं बाकी चीजें जितने इस क्वेश्चन में है इस आ, मोस्ट में भले लिखा है इसको उसमें से हटा दीजिए बाकी उतना टिक मार्क करवाया हूं उसी को रात भर तैयार कर लीजिए कल सुबह तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपका अच्छे से काम हो जाना है ठीक है बर्तन धुला जाता है सिंक में हम सबको पता है इसको बताइए नहीं सिंक करवा दिए हैं ठीक है सिंक लिखवा दिए पिंटू है ना मोस्ट में क्लियर सैंक क्या होता है ये नहीं सिंक बोलते हैं उसको चलिए सभी सब सभी लोग कर लिए ठीक आइए ठीक है सभी के पास नोट्स उपलब्ध है अगर नहीं नोट्स हो तो अभी मैं ऐड करवा देता हूं सारे नोट्स इसके ठीक है उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा मैं अभी बोल देता हूं ऐड हो जाएगा ठीक देखिए कहां पर मिलेगा सारे नोट्स आपको जिसके पास अगर बुक नहीं कुछ लोग के पास बुक नहीं है इसके नोट्स फ्री में मिलेगा यूट्यूब पर सभी को ठीक है ओ सॉरी यूट्यूब कह रहे हैं बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके नोट्स फ्री मिल जाएगा कैसे मिलेगा जरा मैं बता रहा हूँ अभी मैं ऐड करवा देता हूँ आप जब बीके एजुकेशन अप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे इस तरह से पूरा खुल के आएगा ठीक है और नीचे होम वगैरह लिखा होगा स्टोर वगैरह लिखा होगा तो ऊपर ऐसे तीन लाइन बनी होगी तीन लाइन को जब आप टच करेंगे तो उसमें ढेर सारा ऐसे लिख के आएगा ठीक है व्यू स्टडी मटेरियल इस तरह से आएगा आपका फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह ढेर सारा लिख के आएगा तो यहाँ पर आपका जो है व्यू स्टडी मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल उस पर टच करिएगा तो जब टच करेंगे तो फोल्डर बन के आएगा फिर ढेर सारे फोल्डर बने होंगे तो अभी दिखा रहा था ये अपलोड है प्लम्बिंग मोस्ट के नाम से और भी सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड है वहां से इसको कर लीजिएगा रही बात कि सर हमें इसका पूरा बुक चाहिए तो वहां पर दो दो पीडीएफ आपको अभी मैं करवा दूंगा जस्ट इसके बाद वहां पर दो पी डी एफ है एक प्लम्बिंग सर्विस के नाम से पीडीएफ है जिसमें चैप्टर से 2 है और दूसरा पीडीएफ है जिसमें टू है टोटल ही चैप्टर पढ़ने हैं दो पीडीएफ होगा यानी जब यह स्टडी मटेरियल को टच करोगे तो फोल्डर दिखेगा और ऐसे स्लाइड कर देना ऐसे जब स्लाइड करोगे तो उसी में पीडीएफ दिखेगा हम मोस्ट वाले में ही हो तो पीडीएफ डलवा देंगे उसमें भी तो उसमें भी देख लेना ये दोनों पीडीएफ आप जब टच करोगे ओपन होगा तो उस पीडीएफ के ऊपर तीन डाट ऐसे बना होगा ठीक है तीन डाट पर टच करोगे तो डाउनलोड लिख के आएगा और डाउनलोड पर टच करोगे तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा तो इस दोनों पीडीएफ को अच्छे से तैयार कर लेना इन दोनों पीडीएफ में खास बात यह है कि इसमें वो टॉपिक है ही नहीं जो आपके सिलेबस में नहीं है यानी कि बुक में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं तो मैं एडिट कर दिया हूं पीडीएफ को ही तो उसमें फालतू टॉपिक है ये नहीं है जितना यहां टिकमार करवाया हूं उतने टॉपिक है उसमें और उसी को आपको तैयार करना है आई बात समझ में क्लियर है ठीक है क्लियर अब आगे हम लोग यहां देखते हैं क्या होता है ये सेसपूल वाला समस्या आ रहा है कि सर सेसपूल क्या है इसको आइए बताइए ठीक है बाकी चैप्टर फर्स्ट सेकंड का वीडियो तो अपलोड ही है आप लोग देखे होंगे एक एक टॉपिक को क्लियर कर देते जो ज्यादा जरूरी है चैप्टर नंबर जो है प्लम्बिंग आपका है बाकी लोग जिसको पढ़ना है अपने नोट्स से, से जाके पढ़ना पढ़ सकते हैं आप फटाफट ठीक है टाइम नहीं व्यतीत करिए चलिए क्योंकि यहां हम ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं आपको क्योंकि इसमें पहले ही बता चुका था मोस्ट दूंगा उसी को पढ़ना है ठीक है चलिए अब देखिए इसमें ये सब तो पढ़ा ही चुका हूं ना अब आप कहे सर सोर्स ऑफ वाटर पढ़ाओ ये तो वही बात हुई तो अभी जस्ट पढ़ाया हूं पिछले सेमेस्टर में सरफेस वाटर सोर्स ग्राउंड वाटर सोर्स तो ये सब क्या बैठ के पढ़ाए कुआं पढ़ाए आपको मैंने वो सब पढ़ाए ड्रिल वगैरह वो ट्यूबवेल ये सब पढ़ाए नहीं आपको कुआया वगैरह ये सब सब पढ़ा चुके हैं आई एस एस जरा देख लेते हैं जो जरूरी है उधर इधर तो सब पढ़ा हुआ है सारी चीजें वाटर वेस्ट वाटर की हैं ठीक है बच्चे मोस्ट मिल गया सभी लोग को जिसको जाना है जा सकता है और अपना तैयारी करे मोस्ट लेकर बाकी कुछ चीजें हैं बता देते हैं स्पूल कहाँ गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक नहीं दो दो बार बता दिए है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें पानी को क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है जो चारों तरफ पानी बहता रहता है बारिश वगैरह होती रहती है तो हम लोग कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं फिर से ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं वो क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ठीक है ड्रेनेज सिस्टम हो गया इसमें उतने चीजें हैं जो आपको पढ़ना है इसलिए इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिए और जाके पढ़ाई करिए फटाफट अरे आप लोग के लिए बहुत काम हुआ भाई अभी कल आपको पढ़ाना है अभी टेस्टिंग वेस्टिंग तो सब पढ़ा ही चुके थे पिछली बार इसीलिए पढ़ाने को वही नहीं होता कि इसको पढ़ाया जाए सक्सेसफुल वाल वगैरह तो पढ़ाए ही है ना देखिए सिंक जो था सिंक सिंक कुछ लोग कह रहे सिंक क्या होता है देखिए ये आपका सिंक है जिसमें किचन वगैरह में जो लगता है देखिए दो चीजें होती है एक सिंक होता है एक बेसिन होता है बेसिन हमारे हमारा हमेशा बाथरूम में लगा होता है जो हम मंजन वगैरह करते हो तो हाथ वगैरह धुलने के लिए वहाँ पर बेसिन लगाया जाता है सिंक जो है हमारा किचन में लगा होता है जो कि हमारा क्या है बर्तन वगैरह धुलने के लिए होता है किचन में ठीक है तो वो सिंक लगा होता है सिंक हमेशा क्या है आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है वो सिंक होता है या फिर प्लास्टिक का बना होगा चीनी मिट्टी का भी आपका बना होता है तो सिंक या जल कुंडी भी बोलते हैं इसको बर्तन तथा क्राकरी धोने के लिए रसोई घर में सिंक लगाया जाता है ये चीनी मिट्टी का या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है प्लास्टिक के भी इसको बनाया जाता है विभिन्न मापों में भी उपलब्ध होता है अवशिष्ट जल निकासी के लिए इस पात्र की तली में एक छिद्र बना होता है और जिसका निकास पाइप से संबंधन होता है रसोई घर में लगाए जाने वाले सिंह के साथ एक नाली ड्रेन बोर्ड भी लगा होता है जिसकी ढाल सिंह की ओर होती है और नाली पाट पर बर्तन धोकर सूखने के लिए रखने रखे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से ड्रेन बोर्ड भी इसमें रहेगा कहीं कहीं पर ड्रेन बोर्ड होता है किसी किसी में नहीं होता है या तो बिना ये ड्रेन बोर्ड वाला भी मार्केट में खरीदेंगे तो मिलेगा ड्रेन बोर्ड के साथ भी मिलेगा ठीक है और इसके अंदर एक छिद्र बना होता है जिसमें यहाँ पर जो बेस्टेज पानी है जब धुलोगे तो बेस्टेज पानी अंदर से नीचे चला जाता है नीचे से बाहर की तरफ ठीक है सीवर लाइन में और ये जो है ड्रेन बोर्ड इसमें बर्तन वगैरह रखने के लिए होता है या इसी पर रखकर माजने मांजने के लिए बर्तन माजा जाता है ठीक है और यहाँ पर ओवरफ्लो होल भी होता है ताकि कभी बाजदबे भर जाए अगर मान लीजिए कि ये छिद्र जाम हो जाए कि भर जाए तो पानी बाहर से निकल जाता है इसको हम लोग सिंक बोलते हैं ठीक है इसकी साइज़ 510 सौ mm, दस यानी 510 सौ दस mm एम एम गूढ़े एक हज़ार चालीस एम एम में लिया जा सकता है तो ये देखिए दो बाई दो फिट की भी मिलती है दो बाई दो की डेढ़ फिट दो फिट में एक फिट दो फिट में इस तरह से आजकल अलग अलग मापों में मार्केट में सिंक उपलब्ध होता है ठीक है ये था आपका सिंक देखिए सिंक घरों के अतिरिक्त कहां कहां पर लगाते हैं किचन के अलावा प्रयोगशाला यानी लैब में भी लगाया जाता है होटलों में भी लगाया जाता है ठीक है सिंक के प्रकार में अगर देखें सिंक के प्रकार में अगर आप देखेंगे जैसे सिंक के प्रकार में देखिए अगर किचन में जो सिंक लगाया गया है उसकी साइज तीन प्रकार के साइजें मिलेंगी आपको 600 सौ गुणे चार सौ पचास यानी एक लंबाई है एक चौड़ाई है एक ऊंचाई है ठीक है दूसरा है छह सौ गुणे चार सौ पचास गुणे ढाई दो सौ सात सौ ठीक है टॉयलेट सिंक एक होती है टॉयलेट में वहां पर लगा होता है हाथ वगैरह धुलने के लिए होटल में भी लगा होता है उसकी साइज ज्यादा होती है प्रयोगशाला में होगा तो उसकी साइज अलग होगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका है बाथ टैब बाथ टैब जरूर पढ़ना है इसको बाथ टैब यानी नहाने के लिए बनता है ठीक है जिसको यहाँ पर देखिए ये क्या है ना दीवाल होती है दीवालों से ये ऐसे सटकर एक इस तरह से एक टैब रखा गया होगा इसमें लोग लेट कर साबुन घोल कर इसी में नहाते हैं मूवी वगैरह में देखे होंगे अपने निजी जीवन में हमको तो नहीं लगता कोई जल्दी यूज करता होगा ठीक है होगा किसी घरों में हमारे घरों में तो नहीं है ठीक है यह टैब स्नान करने के लिए बनाया जाता है स्नान कक्ष में ये इसको लगाते हैं हम लोग ठीक है अब ये सब कोई ये सब बताने वाली पढ़ाने वाली चीज है फटाफट पढ़ लीजिए टब में गर्म पानी तथा ठंडे पानी नल टोटियाँ तो इसमें लगी रहती हैं यहाँ पर गर्म पानी आएगा ठंडा पानी आएगा और इसमें वेस्ट आप वेस्टेज निकलने के लिए वेस्ट क्या होगा एक पाइप लगा होता है यहाँ पर छिद्र होता है जिसमें दूषित जल क्या होता है बाहर निकाला जा सकता है ठीक है अब यहाँ प्ला यह क्या है ये जो टब की लंबाई है वो लंबाई एक वन पॉइंट सेवन जीरो से लेकर वन पॉइंट एट फाइव तक होती है चौड़ाई पचास से पचहत्तर सेंटीमीटर होती है गहराई पैंतालीस से साठ सेंटीमीटर होती है स्नान टब चित्र में दिखाया गया है उसके बाद फुफ्बारा जो बौछारक या फफ्बारा जो है इसको भी देख लीजिएगा इस पात्र से पानी फुब्बारा के रूप में बाहर निकलता है आप गाँव में घरों में देखे होंगे वाशरूम वगैरह में फुहारा लगा रहता है अरे नहाओ उसमें काफी मजा आता है ठीक है मस्त एकदम नहाओ साबुन लगा के फिर चलाओ फिर नहाओ इस तरह से ठीक तो है तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज लगवा रहे हैं हमारे यहाँ भी लगा है नहाते भी हैं हम चलिए बहुत स्नान कक्ष में लगाया जाता है और इसकी दीवार पर प्रोजेक्शन 45 सेंटीमीटर तक और ऊंचाई हम लोग जो है 1.80 से 2 मीटर तक रखते हैं यानी कि 45 सेंटीमीटर ऐसे आगे ऐसे निकला होता है ऐसे इस प्रकार से ठीक है ऐसे आगे निकला होगा ऐसे 45 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई 1.80 मीटर 2 मीटर हम लोग क्या करते हैं रखते हैं ठीक है परंतु 2.20 मीटर से अधिक नहीं रखी जाती है पानी खोलने के लिए जो इसमें ऐसे खोलने के लिए वाल्व लगा होगा ठीक है इसके लिए इस पर स्टॉप कॉक लगाया जाता है स्टॉप कॉक जो हमारा होता है वो पानी को क्या करेगा ओपन यहाँ पर करेगा नहाते समय फर्श पर गिरे पानी के निकास के लिए फर्श में नहानी ट्रैप लगाया जाता है तो यही फर्श में हम लोग क्या करते हैं नहानी ट्रैप लगा देते हैं देखिए ये फर्श में नहानी ट्रैप लगाए हैं हम लोग खड़े होकर यहाँ पर नहाते हैं यहाँ पर एक टूटी लगा होता है यहाँ पर एक स्टाप काप लगा होता है स्टाप काक से ये सावर हमारा चलता है नीचे खड़े होकर हम लोग नहाते हैं ठीक है पचहत्तर सेंटीमीटर पर हमारा ये नल लगा होता है फिर पैंतालीस सेंटीमीटर यहाँ से पैंतालीस सेंटीमीटर ऊपर स्टाप काक लगा होता है और इसके ऊपर सत्तर सेंटीमीटर पर सावर लगा होता है और सावर की जो हाइट है वन सेंटीमीटर है ठीक है तो इस तरह से हमारा ये बाथरूम में सावर लगाया जाता है ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे ड्रिंकिंग फाउंडेशन ड्रिंकिंग फाउंडेशन, ठीक है यह सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने के लिए लगाया जाता है टोटी की खोलने पर इसमें से दाब पर सीधी जल धार निकलती है जिससे पानी पीते समय होठ पात्र को नहीं छूते हैं और स्वच्छता बनी रहती है तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर एक फोारा टाइप में लगा रहेगा ये ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल हुआ रेलवे स्टेशन हुआ आ, हमारा जो है बस स्टेशन हुआ और या फिर कोई आ, आ, जो है पार्क वगैरह इस तरह जगहों पर इस तरह के जो है पेयजल के लिए ड्रिंकिंग फाउंडेशन लगा होता है वहाँ पर लोग पानी पीते हैं ठीक है पानी भरते हैं तो ये हमारा क्या है पेयजल के लिए लगाया जाता है उसके बाद फिर आगे देखिए जो जो है आपके सिलेबस में मैं पढ़ा दे रहा हूँ ठीक है सेसपुल आपको नहीं दिखा ना सेसपुल के चक्कर में थे हम पढ़ाने लगे दूसरा कुछ तो ये आपका जो है हो गया अब ये सब चीजें यार पढ़ाने वाली चीजें हमें को तो खुद ही लगता है कि ये सब चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए आपको खुद आप पढ़ लेंगे एक मिनट रुक जाइए जरा सा हम जो ढूंढ रहे हैं उसको पहले ढूंढ लें तब तक सेसपुल किस चैप्टर में था चौथे में ही था ओफ ऊपर ही है ठीक है तो इतना समझ में आया ना ये सब पढ़िएगा आप लोग नोट्स से जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना ठीक है अब वो मैं जो ढूंढ रहा हूं उसको ढूंढ लूँ क्योंकि उसको पढ़ाना जरूरी है नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा ना यही इसमें था मैं रखा था मैं खुद स्कैन किया हूं इसको खुद मैं जानता हूं ये सब तो मैं फिगर बनवाया हूँ बोनिंग राड वगैरह से नहीं याद करो ये सब नहीं बनवाया था ये सब सीवर लाइन वगैरह वाले में ये सब तो आप लोग पहले से पढ़ लेते हैं ना सिलेबस देख के वही नोट्स उठाते रिविजन कर लेते उसका फिगर भी इसमें दिख जाता सर स्पूल का सबसे बड़ा फायदा ये था नोट्स में नहीं है तो यार बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग फिर पढ़ोगे इसको छूट जाएगा ये टॉपिक चलिए तो ये मैनहोल तो पढ़ाया हूं अब क्या इसको पढ़ाऊं मैं ठीक है रुकिए स्पूल को ना मैं लाऊंगा मैं सेप्टिक टैंक कर दिए थे ये रहा मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे चला जाएगा ठीक ये ससपुल ठीक है चलिए चौबच्चा या मलक कुंड चौबच्चा या फिर मलक कुंड ठीक है बाकी तो और सब तो जानते हैं आप लोग चलिए चौबच्चा या मलक कुंड यानी ससपुल क्या चीज होता है देखिए फ्लश लैटरिंग के मल मलक जल यानी सीवेज के निपटान के लिए चौबच्चा या हाउज भी बनाया जाता है सीवेज निपटान की यह एक जो है सरल परंतु अस्वास्थ्यकर विधि है अस्वास्थ्यकर मतलब समझ रहे हैं जो आसपास के लोग होंगे उनके लिए काफी ये नुकसानदायक होता है ठीक है जहां पर सीवेज प्रणाली नहीं है अथवा सेप्टिक टैंक भी नहीं है वहां पर हम लोग चौबच्चा का निर्माण करते हैं आई बात समझ में जैसे कि आप देखिए शहरों में क्या है आजकल ना वो सीवर में पूरा क्या हो रहा है सीवेज चला जा रहा है जो हमारा पूरा सीवेज निकल रहा है वो शहर में चला जा रहा है देखिए शहर से बाहर जा रहा है वहां पर फिल्टर होके नदियों में बह जा रहा है ठीक है ट्रीटमेंट करके और यहाँ पर जहाँ पर सीवेज uh, सिस्टम नहीं है वहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाकर उसमें जो है एनारोबिक तरीके से क्या कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवा ले रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर हम लोग चौबच्चा या फिर सेसपूल बनाते हैं और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सीवेज का निपटान यानी सीवेज को डिस्पोज करते हैं तो वो क्या करते हैं सेसपूल बनाते हैं चौबच्चा यानी ये सेसपुल क्या होता है चिनाई या कंक्रीट का साधारण प्रकार का एक जलग्राही कुंड यानी कि एक ऐसे टाइप टाइप का हम लोग इसका निर्माण करते हैं जिसके ऊपर कंक्रीट का जल रोधक ढक्कन लगाया लगाते है चौबच्चा कमरों से 15 से 20 मीटर की दूरी पर बनाते हैं तो एक बाक्स जो है स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं जिसको हम लोग सेसपूल कहते हैं चौबच्चा का आकार में गोलाकार अथवा आयताकार हो सकता है और इसकी धारिता यानी कि 2250 लीटर से 45 4500 लीटर होती है आयताकार चौबच्चा का माप जो है 2 मीटर 1.75 मीटर 1.5 मीटर तथा गोलाकार का व्यास 1.75 मीटर और गहराई 1.75 मीटर रखी जा सकती है चौबच्चा में एक पाइप द्वारा घरेलू मलजल यानी जो घर का मलजल है इसके अंदर जाता है और इसको भर जाने पर समय-समय पर श्रमिकों द्वारा खाली करा लिया जाता है कुछ चौबच्चा तली में कच्चे रखे जाते हैं जिनमें सीवेज का कुछ भाग सरिस्ता हुआ भूमि में समा जाता है इसे हम लोग लीचिंग स्पूल भी कहते हैं तो वो कुछ चीजें उसमें रहती हैं हैं बाद में इसको क्या करते हैं? भरे जाएगा तो होते नहीं सेप्टिक टैंक सफाई करने वाले उसको पाइप लगाकर खींच ले जाते हैं इसमें से चौबच्चा की भर जाने पर समय समय पर श्रमिकों द्वारा सफाई करनी पड़ती है इसके घट्टे में अनेक जीव जंतु कीड़े पनपते अनेक बीमारियां कारण होते हैं ठीक है इसलिए सेप्टिक टैंक इससे बेहतर है तो पहले गांव में खूब बनता था आजकल इसकी जगह पर सेफ्टिक टैंक बनने लगा है ठीक है समझ में आया देख 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 लिए, देख लिए, देख लिए, ठीक? चैप्टर पांच में है तो इसको एकदम ऐसे रट डालिए। आप लोग बहुत इजी सब्जेक्ट है पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे बताइए पढ़ लेंगे ना चले हम फिर अपना सेकंड ईयर की कुछ तैयारी करवाए पढ़ लेंगे कि नहीं बताइए नोट्स मिल गया सभी लोग को अब हम आगे नहीं पढ़ाएंगे बताइए पढ़ लेंगे कि नहीं बताइए हाँ गांव में ही बनाया जाता है इसको सब लोग ना वो नोट्स नहीं है आपके पास मैं अभी करवा रहा हूं जिसके पास बुक ना हो डाके डाउनलोड कर लेना दोनों नोट्स मैं कभी करवा रहा हूं ठीक है हम्म हीट ट्रांसफर क्या है नहीं पता चला देखिए डीएससीएस का कल चलेगा डीएससीएस का कल न्यूमेरिकल करवाएंगे चैप्टर नंबर बोल्ट ट्रांसन मेंबर कंप्रेशन मेंबर कल परसों दो दिन हम पढ़ाएंगे डीएसएस और क्यूएसबी भी दोनों चलेगा ठीक है तो वेल्डेड का न्यूमेरिकल खत्म कर दिया हूं रिविटेड का खत्म कर दिया हूं बोल्ट का पढ़ाऊंगा टेंशन कंप्रेशन ठीक तो उसके बाद फिर आपका जो है डीएसएस कम्प्लीट हो क्योंकि थ्योरी पढ़ा ही चुका हूँ डी एस एस का थ्योरी चल ही चुका है डी एस एस का बच्चा कुछ नहीं है तो कल का पेपर निकालिए आप लोग फिर हम है ही हैं कोई दिक्कत नहीं है कल चलेगा तीन बजे आपका डी एस एस ठीक है और छ बजे से आपका क्यू एस बी चलेगा ठीक श्योर रात में नहीं ठीक रात में आपका सेकेंड ईयर पढ़ाऊंगा मोस्ट कहाँ से मिलेगा यार कितनी बार बताया मैं मोस्ट अप्लीकेशन से मिलेगा फ्री में सबको कोई पैसा नहीं लग रहा है सभी सब्जेक्ट की मोस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल में जाइएगा टच करेंगे सब सबको फ्री है डाउनलोड कर लीजिए देखिए हीट ट्रांसफर क्या होता है हीट ट्रांसफर हमारी तीन तरीके से है जैसे एक पहला है चालन यानी कंडक्शन है दूसरा है संवहन यानी कन्वर्जन है तीसरा है विकिरण ठीक है अब ये जो हमारा चालन जो होता है हीट ट्रांसफर ये चालन में क्या होता है कि जैसे जैसे क्या है कि हमारा कोई मास है ठोस अवस्था में है ठीक है अब ठोस अवस्था से क्या होगा वो डायरेक्ट क्या होगा डायरेक्ट चेंज हो जाए या तो गैस में चेंज हो जाए या तो द्रव में चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे चालन

तो ये जो है हमें महसूस भी होता है ठीक है ये महसूस गर्मी में गर्म गर्म मौसम है मतलब गर्म क्षेत्र है तो वहाँ पर गर्म गर्मी में क्या होगा मतलब चीज़ें गर्म होने लगती हैं तो आप महसूस करते हो ठीक है ठंडी में चले ठंड क्षेत्र में जाओगे तो ठंडी वहाँ पर बढ़ेगी तो आप ठंड महसूस करोगे उसको बोलते हैं हमारा क्या उसको बोलते हैं कन्वेक्शन रेडिएशन क्या होता है जैसे कि सूर्य की रोशनी आप पर पड़ती है तो आपको क्या करते हो गर्म महसूस करते हो तो ये क्या हो रहा है विकिरण हो रहा है यानी सूर्य की रोशनी ऊपर से पृथ्वी पर आ रही है ठीक है तो यहां पर क्या होगा ये हमारा जो है रेडिएशन होता है तो यही तीन है हीट ट्रांसफर यानी हीट क्या हो रहा है ऊर्जा ताप ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है तो ताप ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होता है वही चीजें इसमें बताई गई हैं ठीक है हा हा चलिए सभी लोग वीडियो शुरुआत से फिर से देखिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पहले ही शुरुआत में ही मैं बता दिया हूं और उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड है वहां से जाके करिए ठीक चलिए ओके बाय बाय नोट्स तैयार करिए सभी लोग